पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले, आज 12 बजे कैबिनेट की बैठक में पेंशन बढ़ाने पर फाइनल फैसला लिया गया। पेंशनर्स को अब नई पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दी सहमति, अब पेंशन बढ़ाने का इंतजार खत्म। और इसके साथ ही वो जो बड़ी खबर जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं कि इस बैठक में आखिर कौन से विशेष मसौदे पर मुहर लगी, वो साफ हो सकती है अब से थोड़ी देर के अंदर। ये जिस पर अब कैबिनेट की मुहर लगी है इस मीटिंग के अंदर, ये कैबिनेट की बैठक जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था कि इसका एजेंडा क्या है, किन खास विषयों पर आज चर्चा होनी थी, लेकिन आज सुबह प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णयों वाला छोटा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर अभी अभी 5 मिनट पहले की बड़ी खबर, ईपीएस पेंशन पर भूपेंद्र यादव का नया ऐलान जारी। पेंशन वितरण की नई लिस्ट जारी हो चुकी है, तो अब आपको नई पेंशन कितनी मिलेगी, 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक है उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी अर्जेंट अपडेट अभी अभी की 5 मिनट पहले आ चुकी है। साथ ही कमांडर अशोक जी रावत का भी पेंशन को लेकर बड़ा एक ऐलान जारी हुआ है, जिसके बारे में जानेंगे। साथ ही श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आपकी पेंशन को लेकर क्या आश्वासन मिला है, क्या पेंशन के वितरण की लिस्ट जारी हुई है और जिसके अनुसार आपको पेंशन में कितनी बढ़ोतरी मिलेगी, इसकी सारी कंप्लीट डिटेल से जानकारी आगे आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। आपकी पेंशन को लेकर सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है कि 2014 के बाद ये पहला आपकी पेंशन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो कौन सा बड़ा बदलाव होगा, जिसके अनुसार जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है जो 1000 रुपए की पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे थे, उनकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी? तो आपको बता दें कि 7500 प्लस से डीए मिलेगी या फिर 9000 प्लस से आपको डीए पेंशन मिलेगी। इस तरह की जानकारी मिली कि लोकसभा से नया फैसला मिला है और जिसके अनुसार अब जल्दी आपकी पेंशन मिनिमम जो 1000 रुपए की राशि मिलती है उसे बढ़ा करके 7500 प्लस डीए की राशि को जल्द सम्मति दे दी जाएगी। यानी कि इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है और श्रम मंत्रालय का पेंशनर्स को आश्वासन मिला है जिसके बाद अब जल्द इसको लेकर फैसला होने वाला है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिल रही है कि आपको इसी महीने के अंदर अंदर 7500 प्लस डीए का पेंशन को लेकर फैसला हो सकता है। साथ आपकी अन्य 4 सूत्री मांगे जिसको लेकर भी ऐलान होने की उम्मीदें की जा रही है, तो इस तरह की आपके लिए खुशखबरी होने वाली है।